पीएम ने देश को समर्पित किए 5 एम्स, राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मलकागिरी में एम्स की शुरुआत। पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा गांधी परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, मैंने एम्स बनाने का वादा पूरा किया। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी का बयान, रायबरेली एम्स नामदार और कामदार के फर्क को बताता है। स्मृति ईरानी का दावा, इस बार रायबरेली में भी खिलेगा कमल, बीजेपी की बंपर जीत होगी। पीएम मोदी ने ओखा बेट सिग्नेचर ब्रिज का किया लोकार्पण, 978 करोड़ की लागत से बने इस पुल का नाम सुदर्शन ब्रिज रखा गया। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के बाद द्वारका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, द्वारकाधीश मंदिर में किए दर्शन। पीएम मोदी ने समुद्र में डुबकी लगाकर पुरानी द्वारका की किए दर्शन, शीश झुकाकर किया नमन, अनुभव को बताया दिव्य। पीएम मोदी का ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाया, विपक्ष मुझे गाली देने का शौकीन। पिछली सरकारों की शक्ति घोटाले दबाने में थी, अब हर तरह के घोटाले बंद हो गए, पीएम का बयान। एमपी के खजुराहो में अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा बीजेपी ने एमपी को बीमारू राज्य से निकाला। अमित शाह ने कहा बीजेपी ने जो कहा वो किया, राम मंदिर बनाया, अनुच्छेद 370 हटाया, 3 तलाक को खत्म किया। अमित शाह ने केंद्रीय पार्टी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है, उसको सनातन का अपमान किए बिना चैन नहीं आता। मथुरा में आरएलडी विधायकों की हुई बैठक, जयंत चौधरी ने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बात, भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने पर बोली अहमद पटेल की बेटी मुमताज, आलाकमान के फैसले से दुखी, लेकिन भरूच सीट आपको मैं आपको करूंगी मदद। आगरा में एसपी चीफ अखिलेश यादव न्याय यात्रा में हुए शामिल, लोगों को किया संबोधित। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आने वाले चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया। राहुल गांधी ने कहा देश में नफरत मिटाना हमारा पहला एजेंडा, हिंदुस्तान में अन्याय बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा गरीब किसान और युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती। बंगाल पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने से रोका, 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने धरने पर बैठकर जताया विरोध। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को बीजेपी का कैडर बताया, कहा ममता सरकार को बदनाम किया जा रहा है। एमएसपी की लीगल गारंटी से महंगाई बढ़ेगी, मैं इस बात से सहमत नहीं, किसान नेता सरवण सिंह पंडेर का बयान। सरवण सिंह पंडेर ने मोदी सरकार को दिया सुझाव, कहा डब्ल्यूटीओ की नीति से खेती को करना होगा बाहर, तभी किसानों का होगा भला। ज्ञान व्यापी के व्यास जी तहखाने में पूजा रोकने का मामला, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की कोर्ट में पेशी, सेशन कोर्ट में 10 दिन की पुलिस न्यायिक हिरासत। ईडी ने हीरानंदानी ग्रुप के प्रमोटर और उनके बेटे को कल पूछताछ के लिए बुलाया, फेमा से जुड़ा है मामला। दिल्ली में पानी के बिल पर गरमाई सियासत, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी प्रोटेस्ट में शामिल, बोले दिल्ली वालों से नफरत करती है बीजेपी। बीजेपी ने स्कूलों और अस्पतालों को बनाने से रोका, वो नहीं चाहती गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सीएम केजरीवाल का आरोप। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का सवाल, हमारी वेलफेयर योजनाओं में दखल देने वाली बीजेपी और एलजी कौन होते हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में यूपीपीएससी के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का नतीजा आज हमारे सामने। नकल माफियाओं को सीएम योगी की चेतावनी, कहा ऐसा एक्शन होगा कि नजीर बनेगा। जयराम रमेश ने यूपी पुलिस परीक्षा रद्द कराने का श्रेय न्याय यात्रा को दिया, कहा पेपर लीक के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोपरि। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, यूसीसी ने सभी को समानता का दिया अधिकार। देहरादून में सीएम धामी ने फिल्म आर्टिकल 370 देखी, सीएम के सहयोगी मंत्री भी रहे मौजूद। कल रांची डिवीजन के 14 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे पीएम, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षण प्रोटेस्ट को विफल करना चाहते हैं, मनोज जरांगी का आरोप। महाराष्ट्र के नेता विजय वेडेट्टीवार का बयान, मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार खेला कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। विजय वेडेट्टीवार ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र में गुंडानाच चल रहा है, कानून व्यवस्था फेल। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट बोले शिंदे सरकार से जनता खुश नहीं, हमारे पास काम करने के बहुत स्कोप है। जय श्री राम के नारे से गूंजा मुंबई का मीरा रोड, कोर्ट के आदेश पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने निकाली शोभा यात्रा। बेंगलुरु के कई इलाकों में पीने के पानी का संकट, व्हाइटफील्ड, महादेवपुरा और आरआर नगर में देखी लोगों की लंबी कतार। गाजियाबाद में कार चालक एक युवक को कुचलने की कोशिश की, बोनट पर 3 किलोमीटर तक घुमाया। हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या, बहादुरगढ़ में बदमाशों ने माली गोली, हमले में एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत। हिमाचल में ठंड से राहत नहीं मिलने के आसार, मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का जताया अनुमान। इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का जलवा, भारत के पहलवान संग्राम सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद सईद को हराया। रांची टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 रन पर ढेर, जैक क्रॉली ने जड़ा अर्धशतक।
भारत की तरफ से आर अश्विन ने लिए 5 विकेट, कुलदीप यादव ने 4 विकेट छटके, जडेजा ने एक खिलाड़ी को भेजा पवेलियन। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 40 रन बनाए, जीत के लिए 152 रन की है जरूरत।